आदाब नमस्कार, मैं हूँ सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं लिमरा न्यूज़। इस वक्त जो वीडियो हमें देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वीडियो बहराइच का है और जो पूरी घटना थी जिसमें झंडे को नोचा गया और वहाँ पर भगवा झंडे को लगाया गया एक मुस्लिम युवक के मुस्लिम घर के छत पर चढ़ करके, ये जो घटना सारी घटी है जिसमें एक हरे झंडे को हटा करके भगवा झंडे को लहराया गया है, ये वीडियो उस वक्त का है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसमें साफ तौर पर ये देखने को चीज़ें मिल रही हैं कि किस तरीके से भीड़ वहाँ पर उस शख्स को, जो मिश्रा नाम का शख्स जो वहाँ पर उस छत पर चढ़ा था, रामगोपाल मिश्रा, उसको किस तरीके से उकसाया जा रहा है और किस तरीके से सारी बातें यहाँ पर साफ तौर पर इस वीडियो में देखने को मिल रही हैं। ये दूसरा एंगल है और ये उसी वक्त का वीडियो है जब ये पूरी घटना हुई, जिस वक्त टीन को तोड़ा जा रहा था, जो टीन शेड पड़ा हुआ था जब उसको तोड़ा जा रहा था, ये उस वक्त का वीडियो है। और एक और चीज़ इस वीडियो में नोटिस करने वाली है, इस दो मिनट की वीडियो में एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि दंगा जो है, कहा यह जा रहा है कि दंगा गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद भड़का है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अभी गोपाल मिश्रा जिंदा है, गोपाल मिश्रा ने उस घटना को किया नहीं है, गोपाल मिश्रा ने अभी झंडे को वहाँ से हटाया नहीं है, गोपाल मिश्रा ने भगवा झंडे को अभी उस छत पर लहराया नहीं है, उससे पहले, उससे एक दो तीन मिनट पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से जो भगवाधारी हैं वो घर के सामने खड़े होकर के जय बजरंगबली जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक ठेले को तोड़ रहे हैं और उसको जो है पलट रहे हैं। ठेला कौन इस्तेमाल करता है? चार पहिए वाला ठेला एक सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाले लोग ही इस्तेमाल करते हैं, कोई अमीर उस ठेले का इस्तेमाल नहीं करता है, ना ही वो ठेला किसी अमीर के इस्तेमाल में आता है। उस ठेले को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, तोड़ते हुए दिख रहा है हमें किस तरीके से यहाँ पर वो चीज़ें घट रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर उस टीनों को तोड़ा जा रहा है। और ये सारी घटना उस हत्या के पहले की है, उस झंडे नोचने के पहले की है। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुस्लिमों को उकसाया जा रहा है, कि किस तरीके से जो है मुस्लिम यहाँ पर उकसाए जा रहे हैं, भीड़ के द्वारा उकसाए जा रहे हैं, हज़ारों की भीड़ में वो उकसाए जा रहे हैं। हालांकि ये कोई स्टॉपेज नहीं है, जिस जगह पर ये खड़े होकर के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये कोई स्टॉपेज नहीं है। जो रास्ता इनका तय किया गया था वो रास्ता ये था कि ये सीधे चलते हुए मूर्ति विसर्जन के लिए चले जाएंगे, दुर्गा विसर्जन के लिए ये आगे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये रुकते हैं। ये रुकने के बाद यहाँ पर हरा झंडा इन्हें दिखता है, ये हरे झंडे को हटाते हैं, भगवा झंडे को लगाते हैं, घर की रेलिंग तोड़ देते हैं और उन सब के पहले जो दंगा है उसकी आग यहाँ से उसकी चिंगारी लगना शुरू होती है। यहाँ पर घर के टीन को तोड़ा जाता है, टीन शेड को तोड़ा जाता है और एक ठेले को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, ये इस बात का साफ तौर पर इशारा करता है, साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो दंगाई थे उनकी मंशा क्या थी, वो क्या चाहते थे, जो वो चाहते थे वो उन्हें मिला, उन्हें एक इशारा मिला। आत्मरक्षा में बात ये की जा रही है जो मुस्लिम पक्ष है जिसने गोली चलाई है, वो आत्मरक्षा में उन्होंने गोली चलाई और आत्मरक्षा में उन्होंने गोपाल मिश्रा की हत्या की। हालांकि हत्या किसी भी तरीके से सही नहीं है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, इसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो सिनेरियो हमें इस केस में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से भी गोपाल मिश्रा की हत्या हुई नहीं है और यहां पर लोगों को उकसाया जा रहा है, यहां पर लोग दूसरे धर्म के लोगों को उकसा रहे हैं, इस तरीके की चीजें देखने से इशारा साफ तौर पर किस तरफ जाता है ये आपको भी पता है, ये देखने वालों को भी पता है, ये साफ तौर पर जो भी सारी चीजें हैं ये देखने में समझ में आती हैं कि किस तरीके से चीजों को प्लान किया गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि उपचुनाव करीब है और उपचुनाव को देखते हुए ये सारी घटनाएं सरकार करवा रही है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि अभी कोई भी सरकार अपने शासनकाल में इस तरीके की चीज़ें नहीं करवाती, नहीं करवाएगी, ये बात सबको पता है। लेकिन जिस भी तरीके से ये सारी घटना हुई है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन को इसे रोकने की ज़रूरत थी, पुलिस प्रशासन के नज़र में ये सारी चीज़ें हुई, किस तरीके से यहाँ पर जो भी दंगा भड़कने की जो आग शुरू हुई, जो भी चिंगारियाँ लगना शुरू हुई, उस पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की बड़ी सख्त जरूरत थी, जो बहराइच में देखने को नहीं मिली। और इसके बाद पूरे पूरे घरों को जला दिया गया, पूरे पूरे शोरूम को जला दिया गया, दुकानों को जला दिया गया, मेडिकल स्टोर्स को जला दिया गया, मज़ारों को तोड़ दिया गया। ये सारी घटना बहराइच की है, चिंतन का विषय है, सोचने वाली बात है, ये कल को आपके और हमारे शहर में भी हो सकती है। इस तरीके की घटनाओं से सावधान रहना चाहिए, इस तरीके की घटनाओं में अपने आप को उकसावे में ना आकर के अपने आप को
को बचाव करना चाहिए, अपना खुद का बचाव करना चाहिए और इसकी एक कंप्लेन पुलिस में दर्ज करानी चाहिए जिससे इस पर एक्शन हो सके, इस पर कार्रवाई हो सके, ना कि खुद इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात समझनी चाहिए लोगों को जो खुद जज बन जाते हैं, जो खुद इंसाफ देने लगते हैं। लेकिन जिस भी तरीके से जो भी ये पूरी घटना हुई है वो निंदनीय है, गलत है, देखने में गलत लग रही है। जो भी वीडियोज हमें सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, जो भी वीडियो हमें टीवी चैनल में दिख रहे हैं, जो भी वीडियो हमें उन पीड़ितों के दिख रहे हैं जिसमें वो रोते हुए बिलख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा बचा है और हम जिंदा बचे हैं, हमारे बच्चे बच गए, बाकी हमारा कोई भी सामान जिंदा नहीं बचा है, कोई भी सामान हमारा सही सलामत नहीं बचा है, ये चिंता का विषय है, समाज में सोचने वाली बात है। समाज में रहने के लिए इन सब बातों पर चिंतन करना चाहिए, सरकार चुनते वक्त इन सब बातों का चिंतन करना चाहिए, इन सब बातों को सोचना चाहिए। आप देख रहे थे लिमरा न्यूज़।